हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू सेना एक के बाद एक कोकोलम सोसाइटी के हर एक मेंबर को ढूंढती चली जा रही है। एंड इस समय टप्पू सेना को जो मिल चुके हैं वो है हाथी फैमिली, अंजलि भाभी, अब्दुल एंड पत्रकार पोपटलाल। यहाँ पर टप्पू सेना बड़ी चालाकी के साथ इस गेम को खेल रही है, यानी कि टप्पू सेना को पता है कि कोकोलम सोसाइटी के मेंबर्स इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं है। उनके सामने उन्हें कोई ना कोई चाल तो चलनी पड़ेगी। एंड इसीलिए यहाँ पर टप्पू सेना ने पहला जाल फेंका है पोपटलाल के सामने। एंड इसीलिए टप्पू सेना को जो बाकी मेंबर्स मिले हैं उनके सामने भी टप्पू सेना ने कोई ना कोई जाल फेंका है या फिर कोई ना कोई लालच दिया है। जैसे कि पोपटलाल को सामने लाने के लिए उन्होंने शादी की बात कर दी, हाथी भाई को सामने लाने के लिए उन्होंने खाने की बात कर दी। एंड मेक श्योर यहाँ पर टप्पू सेना बाकी मेंबर्स को ऐसे ही ढूंढने वाली है। एंड एट द एंड यहाँ पर जो लोग बचेंगे वो कोई और नहीं बल्कि भिड़े, जेठलाल, बबीता एंड अय्यर भाई होंगे। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आत्माराम भिड़े को पूरा भरोसा है कि टप्पू सेना उसे इतनी आसानी से ढूंढ नहीं पाएगी, लेकिन हम सभी को पता है एंड खुद ये बात आत्माराम भिड़े ने एक्सेप्ट किया कि टप्पू बहुत स्मार्ट है, वो सभी को ढूंढ ही लेगा। तो यहाँ पर टप्पू सेना का मेंबर टप्पू कुछ और नहीं बल्कि यही चाल चलने वाला जिससे कि आत्माराम भिड़े हमेशा परेशान रहता है, यानी कि टप्पू एंड सोनू को लेकर। यानी कि टप्पू सोनू से कोई ऐसी बात बोल देगा कि आत्माराम भिड़े खुद पर खुद टप्पू सेना के सामने आ जाएगा। एंड यही होगा जेठलाल, बबीता एंड अय्यर के साथ भी। जेठलाल के मामले में हो सकता है यहाँ पे टप्पू सेना झूठ बोल दे कि देव अभी आ चुकी है, जिसके बाद के जेठलाल खुशी हमारे खुद पर खुद सामने आ जाए। वेल गाइस, देखते हैं आने वाली स्टोरी में क्या नया हंगामा होता है एंड कहानी में कौन सा नया मोड आता है। वेल गाइस, अब बताएं कि अभी आने वाली स्टोरी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इस बारे में आपको जो भी कमेंट्स एंड रिव्यूज हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे।